आंख बंद करिए, कल्पना करें कि गुरु जी सामने बैठे हैं, बस उसी को ही सोचते रहें। लेकिन वहां आसक्ति थोड़े बनती है, कोई मोह या ममता थोड़े बनते हैं। तो शुभ विषय जहां आसक्ति न बनती हो, जिसकी वासना न बनती हो, जिसकी वासना या आसक्ति न भटकाते हो, उस विषय में मन को पहले एकाग्र करना होता है। ऐसा नहीं है कि जहां कहीं आप एकाग्र कर लीजिए मन को। मोही आदमी को पुत्र परिवार अत्यंत प्रिय होता है, उसी के बाद सोचने लगा बस मन एकाग्र हो गया। लोभी आदमी धन के लिए कितना सोचता है, पाई पाई के लिए सोचता है। अब पैसा के बारे में सोचते सोचते उसका वो सब कुछ को भूल जाता है, एकदम बाहरी दुनिया का ख्याल नहीं रहता, पैसे में ही मन डूबा हुआ है। तो एकाग्रता ध्यान थोड़े है। जो कामी आदमी है अपनी प्रीतमा की याद में डूबा हुआ है, उसकी याद में डूबा एकदम मन एकाग्र हो गया, वो तो वो ध्यान थोड़े है। क्योंकि चाहे पुत्र परिवार हो, चाहे धन हो, चाहे प्रेषी हो, इनके प्रति ममता बनती है, आसक्ति बनती है, मोह बनता है, और इसके परिणाम में वासना बनती है। और ये सब ये ममता आसक्ति वासना इनकी हमें भटकाती है। क्या गुरु के प्रति ऐसी आसक्ति बनती है, कहां बन पाती है? क्या हम जो आंख से जो कहा जाता है आंख से जो कुछ दिखाई पड़ता देखे, क्या उसकी ऐसी आसक्ति बनती है, वो आसक्ति भटकाती है? नहीं भटकाती। इसलिए जो शुभ विषय है उनमें यदि मन एकाग्र होता है तो वह एकाग्रता ध्यान में सहायक होगी, और जो अशुभ विषय है उनमें मन एकाग्र होता है तो वह एकाग्रता ध्यान में बाधक होगी। अब तक क्या हुआ है? अब तक हमारा मन राग रंग में तो एकाग्र होता रहा है। आप सिनेमा देखने गए, टीवी खोल लिए या सिनेमा हॉल में गए, आपके मनपसंद की फिल्म दिखाई जा रही है, सब तरफ से आप भूल गए बिल्कुल, एकदम एकाग्र हो गया मन, तो वो ध्यान थोड़े हो गया। हाँ, इतना जरूर है कि आप में अपने मन को एकाग्र करने की शक्ति है। जो विषय आपको प्रिय हो जाए उसमें आप अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। लोग जो कहते हैं क्या करता है, मेरा मन तो कभी रुकता ही नहीं है, ऐसा नहीं है, रुकता है। जैसे भी मैंने कहा, सिनेमा देखने गए, आप सिनेमा देख रहे हैं, घर को भी भूल गए, मित्रों को भी भूल गए, काम धाम करना ये भी भूल गए, एकदम एकाग्र हो गया मन। यदि आपका मन एकाग्र नहीं होता तो सिनेमा में आनंद थोड़े आता आपको, आप तीन तीन घंटों तक बैठे थोड़े रह सकते। एकाग्र हुआ और आप में वो शक्ति है। हाँ, लेकिन आपने वहां पर लाभ जाना उसमें, तो जहां लाभ जानेंगे, जहां प्रीता होगी उसमें मन एकाग्र हो जाएगा। ज्ञान में प्रीता होगी, ज्ञान में लाभ जान पड़ेगा, ध्यान में प्रीता होगी, ध्यान में लाभ जान पड़ेगा, वहां आप मन को एकाग्र कर लेंगे। लेकिन इधर प्रीता नहीं बनती है, इधर के प्रति मन में रुचि नहीं जागृत होती है। रुचि जागृत हो, लगन हो, उत्साह हो, प्रयास किया जाए तो यहां भी हो सकता है। लेकिन जितना लाभ संसार के स्मरणों में हमें जान पड़ता है, भोगों के स्मरणों में जान पड़ता है, अभी उतना लाभ सेवा स्वाध्याय साधना में नहीं जान पड़ा है। कठिन से कठिन काम आदमी क्यों कर लेता है? क्योंकि उसमें लाभ जान पड़ता है। लोग रोकें देंगे, जहां लाभ जान पड़ा लोग रोकते रह जाएंगे, बाधोपस्थित करेंगे, फिर भी आप छिप करके और चाहे जैसे हो उस काम को कर लेंगे। इस आदमी का स्वभाव है, लाभ जान पड़ना चाहिए। गुरुदेव जी उदाहरण दिया करते हैं, शायद इसी उत्तर प्रदेश की कोई घटना, पुरानी घटना है। इस उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों के गांव में नाच मंडली आई, कई दिनों तक वो नाच मंडली नाच दिखाती रही। उन्हें क्षत्रिय
क्योंकि गांव के एक युवक के मन में भी ये भावना जगी कि मैं भी इस नाथ मंडली में सम्मिलित हो जाऊं, और सम्मिलित हो गया। परिवार वालों ने रोका, संबंधियों ने रोका, गांव वालों ने रोका, अरे तुम छत्री के बच्चे हो, छत्री होकर के नाचते धरते हो, ये ठीक नहीं है। नहीं माना, उनको लाभ जज गया और नाचने लगा, उसी में अपना तमाशा दिखाने लगा। तो गांव के अन्य छत्रियों ने, जब तो दिन बीते तो गांव के अन्य छत्रियों ने कहा, तुम इस नाच मंडली में शामिल हो, इसमें नाचते वगैरह हो, हम लोगों को बहुत बुरा लगता है, शर्म लगती है कि छत्री होकर तुम ढंग से नाचते वगैरह हो, सांग बनाते हो। तुम इस नाच मंडली छोड़ दो, तुम्हारे पास जितनी जमीन है उसकी दुगुनी जमीन हम और तुम्हें दे देते हैं, तुम आराम से खेती करो, ये नाथ मंडली छोड़ो। उसने कहा, मेरी जो जमीन है वो जमीन भी ले लो, लेकिन मैं नाथ मंडली छोड़ूंगा नहीं। लाभ जान पड़ गया। तो लाभ जब जान पड़ता है आदमी को, तो पूर्ण रूप से वह समर्पित हो जाता है, सारी कठिनाइयां सरल हो जाती हैं। लाभ न जान पड़े तब सरल सा सरल काम भी अत्यंत भारी होता है। तो आदमी में शक्ति है, जहां वह लग जाए क्या नहीं कर सकता है। तो बिहारी के क्षेत्र में देखें, कितना कठिन से कठिन काम आदमी कर लेता है, आज भी कर रहा है। पैसे कमाने में लाभ का निश्चय हुआ, घर परिवार सगे संबंधियों सबका मुंह छोड़कर आदमी कहां चला जाता है, देश के कोने में नहीं विदेश में चला जाता है, साल दो साल चार चार साल तक वहां रहता है। और पैसा कमाता है तो लाभ जचा। जिस परिवार के बिना, पत्नी पुत्र सगे संबंधियों के बिना दो चार दिन रहना मुश्किल था, लाभ जान पड़ा पैसे कमाने में। जिनके बिना दो चार दिन नहीं रह पाता था, अब उनके बिना दो चार साल तक रह लेता है आराम से। इससे सिद्ध होता है कि आदमी में त्याग की शक्ति है। बस लाभ जान पड़ना चाहिए। तो जिस दिन ध्यान में लाभ जान पड़ेगा, साधना में लाभ जान पड़ेगा, उस दिन आदमी पूर्ण समर्पित होकर के लग जाएगा। और जब पूर्ण समर्पित होकर के लगेगा तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। भौतिक क्षेत्र में तो ऐसा भी होता है, पूरा परिश्रम करने के बाद भी कभी कभी सफलता न मिल पाए, क्योंकि भौतिक क्षेत्र की सफलता केवल अपने हाथ में नहीं है, प्राणी पदार्थ और परिस्थितियों पर निर्भर है। जैसे मान लो अभी बरसात का समय है, किसान जेठ के आखिर से ही अपना खेत जोतना गोड़ना शुरू कर दिए हैं, खाद पानी देना शुरू कर दिए, बीज डाल दिए हैं। किसान पूरी मेहनत कर रहा है अपनी तरफ से, बीज डालना, खाद देना, निराई करना, गोड़ाई करना और कुछ काम करना, ये किसान के बस की बात है, पूरी तत्परता से वो जुटा हुआ है। लेकिन बरसात ही नहीं हो रही है तो फसल कैसे होगी।
मान लो बरसात हुई भी, इतनी ज्यादा हो गई कि फसल डूब गई, तो कहां से तब फिर उसे फसल मिलेगी, अन्न मिलेगा। व्यापार है, अब व्यापार में पूरी मेहनत कर रहे हैं, कहां कहां से ठंडी गर्मी सहन करके आप माल ला रहे हैं, सुबह से शाम तक दुकान में बैठ करके माल बेच रहे हैं, जितने तत्परता चाहिए वो सब काम कर रहे हैं, लेकिन जिस दुकान का, जिस माल का आप व्यापार करते हैं, उस माल की अभी मांग ही नहीं है, तो लाभ कहां मिलेगा आपको? या कुछ ऐसा हो गया, उस माल का उत्पादन इतना ज्यादा हो गया कि भाव गिर गया, तो आप क्या करेंगे, कहां लाभ होगा, सफलता कहां मिली व्यापार में? ऐसे ही और भी, लेकिन ध्यान और साधना में न प्राणी अवरोधक है, न पदार्थ अवरोधक है, न परिस्थिति अवरोधक है। इसमें बाहर से मांग घटने की, बढ़ने की, बरसात होने की, नहीं होने की, ठंडी पड़ने की, नहीं पड़ने की, प्राणियों का संग साथ छोड़ने और नहीं छूटने की कोई इसमें आवश्यकता नहीं, कोई इसमें बाधा नहीं है। बाधा है यदि, तो हमारे मन का मोह, मन के मोह को छोड़कर, अज्ञान अविद्या को छोड़कर इसमें और कोई बाधा नहीं है। तो मैंने शुरू किया था कि कुछ न करना ध्यान है, कुछ न करने कर मन से कुछ न करना, कुछ न सोचना, मन का पूर्ण मौन हो जाना, यह ध्यान है। लेकिन मन को मौन करने के लिए पहले बहुत कुछ करना होगा, लगातार संतों के संग साथ बैठ करके ज्ञान चर्चा करनी सुननी होगी, सेवा करनी होगी, सत्संग करना होगा, मन इंद्रियों पर संयम करना होगा, जीवन यात्रा में जो मिले हुए लोग हैं उनके साथ सुंदर व्यवहार करना होगा, विवेक विचार दया क्षमा आदि सद्गुणों का जीवन में आचरण करना होगा। और धीरे धीरे करते करते जब मन पवित्र होगा, निर्मल होगा, मन की गांठें एक एक करके खुलती जाएंगी, तब वो स्थिति आएगी। और उसके लिए केवल हमें ही काम करना पड़ेगा। संतगुरु तो रास्ता बता रहे हैं, उन्होंने आधा काम कर दिया। एक उदाहरण याद आता है, एक युवक की शादी की बात चल रही थी, तो एक सज्जन ने पूछा, कहो तुम्हारी शादी तय हो गई? तो उन्होंने कहा कि 50% तय हो गई, 50% बाकी है। इसका मतलब कि मतलब यह है कि लड़की मुझे पसंद आ गई है, अब लड़की वालों को मुझे पसंद करना है बस, वो मुझे पसंद कर ले तो 50% भी पूरा हो जाएगा। ऐसे ही संत गुरु महात्मा गण उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं, रास्ते पर चलकर बता भी रहे हैं, तो उनके संग साथ में रह करके हमारी 50% मुक्ति हो गई, 50% ध्यान लगे, बस 50% के काम हमें करना है बस, अब वही काम हम नहीं कर पा रहे हैं। तो मेहनत तो हमें ही करनी होगी, दूसरा उसमें कोई सहायक नहीं हो सकता है। और ये मेहनत उसमें तब तक पूरी नहीं होगी जब तक लाभ का निश्चय नहीं होगा।
लाभ का निश्चय हो जाए, नहीं कि ध्यान मेरे जीवन का परम उद्देश्य है, इसके बिना जीवन अधूरा है, ऐसा जब निश्चय हो, सब समय ये बराबर बना रहे मन में भाव, तो लाभ जचेगा, उसके लिए निरंतर प्रयत्न भी होगा। अब आप 5 मिनट के लिए बाहर जा सकते हैं।